नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने जीवन प्रबंधन के लिए ऐसे गुरु मंत्र दिए हैं जो आज करीब 2000 साल बाद भी लोगों को जीवन जीना सिखा रहे हैं। आचार्य चाणक्य ने पति पत्नी के संबंधों को लेकर भी कई बातें कही हैं। आज हम यहाँ आपको चाणक्य नीति में कुछ ऐसी सीख के बारे में बता रहे हैं जो विशेषकर आचार्य चाणक्य ने पत्नियों को लेकर कही थी। आचार्य चाणक्य ने बताया था कि कुछ बातें पत्नियों को अपने पति से बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी चाहिए। साथ ही उनका कहना था कि पतियों को रोज रात को अपनी पत्नी के साथ ये एक काम जरूर करना चाहिए, इससे पति को सफलता अवश्य मिलती है। उनका कहना है कि अगर ऐसा ना किया जाए तो दोस्तों दोनों रिश्तों में कई तरह की परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। तो आइए जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आए तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन सी वो बातें हैं जो पत्नियों को अपने पति के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि शादी के बाद स्त्रियों को अपने ससुराल की बुराई और मायके के राज ससुराल में कभी बताने नहीं चाहिए। ऐसा करने से दोनों परिवारों में मतभेद हो सकता है, पति पत्नी के रिश्तों में भी दरार आ सकती है। चाणक्य नीति में बताया गया है कि पत्नी को पति खुद की कमाई का कुछ हिस्सा हमेशा बचाकर रखना चाहिए और इसे पति को कभी भी नहीं बताना चाहिए। परिवार की मुश्किल घड़ी में यह पैसा मदद दे सकता है। पत्नियों को पति की तुलना किसी पर पुरुष से कभी नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पति के आत्म सम्मान को ठेस पहुंचता है, इससे शादीशुदा जीवन में तनाव हो सकता है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि क्रोध पर नियंत्रण रखने वाले इंसान का वैवाहिक जीवन सफल होता है। क्रोध में इंसान अच्छे और बुरे का अंतर नहीं कर पाता, जिसके चलते रिश्तों में दरार आ सकती है। अब बात करते हैं कि कौन सा कार्य पति को अपनी पत्नी के साथ रोज रात को करना चाहिए। दोस्तों, आचार्य चाणक्य जी के अनुसार रात को सोते समय औरत को अगर रोज प्यार करोगे तो आपका शादीशुदा जीवन स्वर्ग बन जाएगा, और अगर नहीं करते तो आपका रिश्ता धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा और आपका जीवन नर्क बन जाएगा। इसीलिए दोस्तों, रात को रोज सोते समय अपने पत्नी को प्यार करके सोना चाहिए। और दोस्तों, अगर सोते समय आप ये गुप्त काम नहीं करोगे तो उम्र भर रोते रहोगे। कहते हैं, जो स्त्री सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से भगवान की पूजा करती है उसका पति हमेशा धनवान रहता है। वैसे भी अगर भगवान की सच्चे मन से आराधना की जाए तो उस घर में लक्ष्मी का वास जरूर होता है। इसके अलावा इससे घर का वातावरण भी अच्छा रहता है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य आगे कहते हैं कि जो स्त्री घर का ध्यान रखती है और घर के सभी कार्य शांति से संपन्न करती है, इसी के साथ वो स्त्री अपने पति की सेवा भी करती है, उस स्त्री से माता लक्ष्मी जी बेहद प्रसन्न रहती हैं। और आपको बता दें कि ऐसी स्त्रियों पर माँ लक्ष्मी जी खुद अपनी कृपा बरसाती हैं। जी हाँ दोस्तों, इनके पति पर हमेशा पैसों की बरसात होती रहती है। इसी के साथ जो स्त्री गरीब को खाली हाथ नहीं भेजती और दान में कुछ ना कुछ देती है, उस स्त्री का घर धन धान्य से हमेशा भरा रहता है। दोस्तों, वैसे भी कहते हैं कि अगर किसी गरीब को दान दिया जाए तो माता रानी आपकी झोली खुद ब खुद भर देती हैं। यहाँ तक कि जिस घर की स्त्रियाँ ऐसी होती हैं उनके घर कभी गरीबी दस्तक नहीं देती और उनके पति को खूब धन लाभ होता है। ऐसे में निस्वार्थ होकर स्त्रियों को दान करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ अब चाणक्य नीति में लिखे हुए आचार्य चाणक्य की कुछ अन्य अनमोल नीतियों के बारे में भी जान लेते हैं जो कि आपके जीवन में बहुत काम आ सकती हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धनहीन धन चाहते हैं, पशुवाणी चाहते हैं, मनुष्य स्वर्ग की इच्छा करते हैं और देवगण मोक्ष की इच्छा करते हैं। सत्य से पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य से सूर्य तपता है, सत्य से वायु बहती है और ये सभी पदार्थ सत्य में ही स्थित है। विदेश में विद्या ही मित्र होती है, घर में पत्नी मित्र होती है, रोगियों के लिए औषधि मित्र है और मरते हुए व्यक्ति का मित्र उसका धर्म और सत्कर्म है। आलस्य से विद्या नष्ट हो जाती है दोस्तों, दूसरों के पास जाने से धन, बीज की कमी से खेती और सेनापति के ना होने से सेना नष्ट हो जाती है। अभ्यास से विद्या, सुशील स्वभाव से कुल, गुणों से भला मनुष्य। और दोस्तों, क्रोध का पता आंखों से लगता है। किसी चीज से तब तक भय करना चाहिए जब तक वो आपके सामने ना आए। सामने आने पर उस भय पर बिना प्रवाह के प्रहार करना उचित है। समुद्र में वर्षा का होना दोस्तों बिल्कुल व्यर्थ है। तृप्त व्यक्ति को भोजन करवाना व्यर्थ है, धनी को दान देना व्यर्थ है और दोस्तों दिन में दीपक व्यर्थ है। स्त्री का गुरु उसका पति है, अतिथि सबका ही गुरु है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र का गुरु अग्नि है।
और इन सभी वर्णों का गुरु ब्राह्मण है। जिस प्रकार से स्वर्ण की परीक्षा घिसने, काटने, जलने और पिटने से होती है, उसी प्रकार से मनुष्य की पहचान त्यागशील गुण और कर्म से होती है। मनुष्य को जन्म देने वाला, यज्ञोपवीत संस्कार कराने वाला पुरोहित, विद्या देने वाला, अच्छा अन्न देने वाला, भय से मुक्ति दिलाने वाला अथवा रक्षा करने वाला, ये 5 पिता गिने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे आचार्य चाणक्य जी के कुछ बेहद अनमोल विचार। इसी के साथ दोस्तों, भारतीय संस्कृति में महिलाओं को पूज्य माना गया है, उन्हें सबसे उच्च सम्मान प्राप्त है। यही वजह है दोस्तों कि हमारे यहाँ कन्याओं के पूजन की परंपरा है। दोस्तों, गरुड़ पुराण और समुद्रिक शास्त्र की बात करें तो इसमें महिलाओं के अंगों के बारे में विस्तार से बताया गया है। दोस्तों, हर महिला की अपनी एक खासियत होती है, उनका कौन सा लक्षण किस पुरुष के लिए बेहतर और भाग्य बदलने वाला होगा, इस सवाल का जवाब समुद्रिक शास्त्र में बताया गया है। इसमें महिलाओं के बालों से लेकर पैरों और नाखूनों तक की स्थिति को बताया गया है कि उनका क्या फल मिलता है। इसमें महिलाओं के बड़े अंगों का भी अलग अलग फल बताया गया है। शायद यही वजह है कि हमारे घर के बुजुर्ग विवाह के लिए जब लड़की देखने जाते थे तो शारीरिक सुंदरता की बजाय बालिका के शारीरिक अंगों और लक्षणों पर अधिक गौर करते थे। आइए अब हम आपको बताते हैं कि महिलाओं के अगर कौन से अंग बड़े हैं तो वो पति और परिवार के लिए भाग्यशाली है या फिर नहीं, उनके परिवार को बदलने वाली होती है या फिर नहीं, शुभ होती है या फिर अशुभ। आइए इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, नंबर 1, लंबी गर्दन। समुद्रिक शास्त्र में लंबी गर्दन वाली महिलाओं को मंगलकारी माना गया है। जिन महिलाओं की गर्दन लंबी होती है वो ऐश्वर्यशालिनी होती हैं। इनके पास संपूर्ण वैभव होता है और इनके रहते पति को कभी भी पैसों की कमी नहीं होती। नंबर 2, लंबे और बड़े बाल। दोस्तों, शास्त्रों में वर्णित है कि लंबे बालों वाली महिलाएं पद्मनी होती हैं, अर्थात उच्च कोटि की होती हैं। लंबे और रेशमी बाल शुभता और सौंदर्य का प्रतीक है। अगर आप भगवती देवी का कोई भी चित्र देखते हैं या प्रतिमा देखते हैं तो आप पाएंगे कि उनके बाल लंबे होते हैं। लंबे बालों वाली महिलाएं पति के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। नंबर 3, ऊंचा वक्षस्थल। समुद्रिक शास्त्र और विष्णु पुराण में लिखा गया है कि ऊंचे, सुडोल और बड़े वक्षस्थल वाली महिलाएं सौभाग्यशालिनी होती हैं। इनके सुडोल वक्षस्थल धन संपत्ति और ऐश्वर्य के प्रतीक हैं। दोस्तों, प्राचीन देवी प्रतिमाओं में आप देख सकते हैं कि शिल्पकारों ने बड़े वक्षस्थलों को सौभाग्य के रूप में प्रस्तुत किया है। ऐसी महिलाएं पति के लिए एक तरह से तारणहार होती हैं। इनकी संतान भी अपेक्षाकृत ज्यादा बेहतर और सफल होती है। नंबर 4, मांसल और पुष्ट झंगाएं। मांसल और पुष्ट झंगाएं भी सौभाग्यशील होने का प्रतीक है। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार जिन महिलाओं की झंगाएं पुष्ट और मांसल होती हैं तो वो औरत बहुत ही भाग्यशाली होती है। इनके कारण ही पति को मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। पतली और विकृत झंगाओं को शास्त्रों में अच्छा नहीं माना गया। नंबर 5, बड़ी आंखें। दोस्तों, बड़ी आंखों वाली महिलाएं बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं। वो विदुषी, विवेकशील और बहुत ही समझदार होती हैं। ये पूरे परिवार के लिए शुभ होती हैं और विपत्ति आने पर अपनी सूझबूझ से पूरे परिवार को संभाल लेती हैं। इनके रहते घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। नंबर 6, लंबी नाक। सामान्य से कुछ लंबी नाक वाली महिलाएं गंभीर और शांत स्वभाव की होती हैं। ये हर विपत्ति का सामना करने में सक्षम होती हैं। इनके कारण पूरा परिवार सुरक्षित रहता है। इसके अलावा सामान्य सिर और सामान्य आकार के कान वाली महिलाएं परिवार के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती हैं। नंबर 7, पैर और उंगलियां। समुद्रिक शास्त्र के अनुसार महिलाओं के हाथ और पैरों का विशेष महत्व दिया गया है। सामान्य आकार के चिकने पैरों वाली महिलाएं एक तरह से लक्ष्मी स्वरूप होती हैं। इनके पैरों की सबसे छोटी उंगली कुछ लंबी और भूमि को स्पर्श करती हुई होती है। दोस्तों, ये महिलाएं बहुत ही सौभाग्यशाली होती हैं और पति के लिए लकी होती हैं। इसी तरह हाथों के मध्यम आकार की उंगलियों और चिकने हाथों वाली महिलाएं भी बहुत लकी साबित होती हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।